हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून अनवर। आप देख रहे हैं इस वक्त एच ए टी वी चैनल। आज फिर हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप के चंद और बहुत ही अहम फीचर्स के बारे में, जिनको जानकर आप हैरान होंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की जाना। वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आखिर में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जो नंबर वन पे हमारे पास जो इसका कोड है, जो इसकी सीक्रेट सेटिंग है, वो है डाटा यूसेज। डाटा यूसेज को कम करना। तो चलिए हम आपको बताते हैं डाटा यूसेज को कम कैसे किया जा सकता है, जबकि आपको पता है व्हाट्सएप ने जो अपनी कॉल वगैरह जो है वो फ्री कर दी है, इसके बावजूद भी आपका डाटा जो है वो यूज़ हो रहा है, उसको आप कम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आपको डाटा जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इसे कम करना चाहते हैं, आपका डाटा व्हाट्सएप से बहुत ही कम यूज़ हो, तो हम उसकी सेटिंग बताते हैं आपको। सबसे पहले आपने व्हाट्सएप पे जाना है, ठीक है। व्हाट्सएप को ऑन करना है, ऑन करते ही थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये देखिए लिखा हुआ है स्टोरेज एंड डाटा, यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ लेस डाटा फॉर कॉल, यानी कि व्हाट्सएप की कॉल जो है उस पर बहुत ही कम डाटा यूज़ करना है, इससे ये ऑन कर देना आपने। जैसे ही ऑन करेंगे आपका जो डाटा है वो व्हाट्सएप की कॉल जो है वो बहुत ही कम यूज़ होगा। तो नंबर दो पे जो हमारे पास इसका सीक्रेट है वो है किसी भी बंदे का आपने मैसेज जो है वो बिना देखे, उसे बिना पता चले रीड करना है। वो जी नाज़रीन, हमारे पास जो दो नंबर पे है वो ये है कि आपने किसी का भी व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया है उसे बिना पता चले वो रीड करना हो तो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप किसी को रिप्लाई नहीं देना चाहते या उसका मैसेज जो उसने किया है वो रीड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपने सबसे पहले स्वाइप करना है और जो इस मोबाइल में आप देख रहे हैं कि एरोप्लेन का जो फंक्शन है उसे ऑन कर देना है। वो ऑन होते ही आपका मोबाइल का डाटा जो है वो कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप वापस व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ पे किसी का भी जो आपको मैसेज आया हो वो आप रीड करें, उसे बिना पता चले आप जो मर्ज़ी यहाँ से आप इसका रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपने जो है इसे बैक जाना है और क्लोज़ ऐप, क्लोज़ ऑल ऐप कर देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने दोबारा जो है वो एरोप्लेन मोड को ख़त्म कर देना है। इस तरह वो आप उसका मैसेज भी रीड कर लेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो जी नाज़रीन, नंबर थ्री पे है जो हमारे पास, वो भी बहुत ही अहम और मज़े की ट्रिक है। जैसा कि आपके पास, आपको पता है किसी के पास इस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि वो रीड करे, मैसेज को राइट करे और सेंड करे, तो आपको कोई भी मैसेज किसी का अच्छा लगता है तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप व्हाट्सएप पे जाइए, ठीक है। ख़ास तौर पे जिस इंसान का मैसेज आपके लिए बहुत ही ख़ास है, आपको पता होगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, आप उस मैसेज पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पे जाएं, थ्री डॉट के बाद यहाँ पे लिखा होगा मार्क एज अनरीड, यानी कि जो मैसेज आपने रीड नहीं किया उस पर मार्क एज अनरीड कर दें, ठीक है। ऐसे ग्रीन डॉट जो है वो शो हो जाएगा, फिर जब आप फ्री होंगे तो वो मैसेज आप पढ़ सकते हैं। नंबर चार पे जो हमने रखा है वो है कि अगर आप मोबाइल को बिना ऑनलाइन हुए, बिना व्हाट्सएप खोले किसी को मैसेज करना हो, किसी को रिप्लाई देना हो, वो कैसे कर सकते हैं, तो आइए। तो जी नाज़रीन, नंबर चार पे जो हमारे पास ट्रिक है वो बहुत ही मज़े की है। आपने जो बिना मोबाइल को हाथ लगाए किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, तो पहले सबसे आपने जाना है व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है, गूगल असिस्टेंट को क्लिक करना है, वहाँ से आपने वॉइस करनी है सेंड मैसेज टू अबू जी, जिसे भी मैसेज करना है उसे आपने बोलना है, वो मैसेज ऑटोमेटिकली आपका सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही मज़े की ये भी ट्रिक है, अप्लाई करिएगा और बताइएगा फीडबैक पे। जी नाज़रीन, जो पांच नंबर पे हमने जिस सेटिंग को लेके आए हैं, जिस फीचर्स को लेके आए हैं, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आजकल के दौर में हमें जो काफ़ी दोस्त हैं वो इंग्लिश को नहीं जानते, इंग्लिश नहीं आती, तो उनको उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको हम बताएंगे कि वो कैसे व्हाट्सएप में या किसी भी तरह से अपनी जो लैंग्वेज है उसे चेंज कैसे कर सकते हैं, तो वो आइए हम आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो जी नाज़रीन, नंबर पाँच पे जो हमारे पास ट्रिक है, जो फीचर्स है, वो भी बहुत मज़े का है। अगर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत है, परेशानी है, आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, तो इसके लिए हम आपको बहुत ही इजी मेथड बताएंगे, आप अपनी लैंग्वेज जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं व्हाट्सएप की दुनिया में। तो चलिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करना है, ओपन करने के साथ साथ थ्री डॉट पर क्लिक करें, थ्री डॉट पर क्लिक करने के साथ ऐसे स्वाइप हो जाएगा और सेटिंग पर जाएँ, सेटिंग पर क्लिक करने के साथ ही लिखा होगा चैट्स, ठीक है। चैट्स पर क्लिक करें तो नीचे जाएंगे ऐप लैंग्वेज
शो हो जाएगा। ऐप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने उर्दू अगर इजी से पढ़ सकते हैं तो उर्दू पे क्लिक कर दें, तो या अगर इंग्लिश बोल सकते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कर दें। तो मेरे लिए जो बेस्ट है वो इंग्लिश है, मैंने इंग्लिश ही सेलेक्ट की हुई है। अगर आप उर्दू कर सकते हैं तो उर्दू में कर लें, जो आपको बेहतर है वो कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी राय का इजहार हमें पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।